मेथी मटर मलाई अगर रेस्टोरेंट जैसे अगर घर में खाने के लिए मिल जाए तो क्या बात है। तो फिर चलिए बनाते हैं आज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और उसमें प्याज रफली चॉप किया हुआ है मैंने, उसे भूनना है। और उसके साथ में हम ये जो गार्लिक है वो डाल देंगे और जिंजर डाल देंगे, थोड़ा सा 1 इंच का जिंजर ले लिया है मैंने। और 3 से 4 हरी मिर्च डाल देना है और इसे हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होते तक हमें भूनना है, इस तरह से देखिए। और फिर अभी बीच में थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाए तो उसमें 8 से 10 काजू हमें डाल देना है। पूरे अगर काजू फुल पीस हो तो फिर 8 से 10, या फिर अगर अलग-अलग वाले पीसेस हो तो 9-20 काजू आप डाल सकते हैं इसमें, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। फिर हम इसमें 3 मीडियम साइज के टोमेटो चॉप कर कर अच्छे से डाल देंगे। बहुत बढ़िया। अब इसे हमें अच्छे से पका लेना है 5 मिनट तक, मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक हम इसे पका लेंगे अच्छे से, और जब तक कि टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे लीड लगा देंगे और जब 5-7 मिनट बाद देखेंगे तो टोमेटो पूरे सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से इसे चला के देखिए और बहुत बढ़िया ये सॉफ्ट हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो ग्राइंडिंग जार है उसमें डाल देंगे और इसे पीसने के लिए रख देंगे। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये अभी गर्म है तो मैं डायरेक्ट जार में ही डाल रही हूँ, लेकिन गर्म होने के कारण अभी नहीं पीस रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। लेकिन हमें अभी क्या करना है, उसे सेम पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ले लूँगी और फिर इसमें मेथी डाल दूंगी। मैंने इसमें 250 ग्राम के करीब करीब मेथी लिया है और इसे अच्छे से हमें भून लेना है। मेथी को अच्छे से बिल्कुल ड्राई होते तक भूनना है। थोड़ा सा नमक डाल दे, 1 पिंच के पास पास नमक डाल दे अच्छे से, यानी उसका जो पानी रहेगा मेथी का वो भी निकल जाता है और अच्छे से वो ड्राई हो जाती है। ये भुनने का एक फ़ायदा ये होता है कि भुनने की वजह से क्या होता है, मेथी कड़वी नहीं लगेगी आपको ग्रेवी में। ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बना के ज़रूर देखें इस रेसिपी से। और ये जो मेथी अभी भून गई है हमारी, अब इसे हम साइड में रख देते हैं, एक बाउल में निकाल के रख देती हूँ मैं। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से भून गई है और ये हमारा मिक्सर जो है वो भी अभी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे मिक्सर में मार लेते हैं। इसका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। स्मूथ जितना आप स्मूथ पेस्ट बनाओगे उतनी आपको खाने में ग्रेवी में मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया हो गया ये, मस्त रेडी हो गया। अभी उसी सेम पैन में मैं क्या करूँगी, और 3 से 4 टेबल स्पून मैं ऑयल ले लूँगी। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब करीब। उसे अच्छे से फ्लटर होने देंगे, उसे अच्छे से फटने देंगे और फिर एक सिनेमन स्टिक डाल देंगे, एक बे लीव्स डाल देंगे और एक डाल दूंगी मैं जो काली इलायची रहती है ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, आप ज़रूर डालें। और एक हरी इलायची डाल देंगे, इससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सुगंध बहुत अच्छी चलती है इससे। फिर जो मसाला हमने अभी जो पेस्ट बनाया था इससे पहले, वो मसाला डाल देंगे। बहुत बढ़िया। अब इसे हमें अच्छे से चला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, जब तक कि जो मसाला है वो ये ना छोड़ दे, तेल ना छोड़ दे। अब ये बीच बीच में आ रहा था तेज पत्ता तो फिर मैं इसने निकाल दिया मैंने। अब इसे देखिए, अभी ये जो पेस्ट है इसमें मैंने ये जो जार था उसका जो पानी है उसे मैंने ऐसा धोकर, जार को धोकर इसमें पानी को डाल दिया। बहुत बढ़िया। अभी ये ग्रेवी अच्छे से हो गई है, इसे भी 2 मिनट तक हमें ऐसे ढक कर रख देंगे तो वो जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, अलग निकल के ही आता है। एंड हमारी ग्रेवी अभी पक कर रेडी हो गई है। अब हम इसमें बॉइल्ड मटर डाल देंगे। मटर को आप क्या करें, जब बॉईल करें ना तो डायरेक्ट बॉईल करने के बाद में ठंडे पानी में डाल दें, बर्फ़ वाले पानी में। तो देखिए इसी तरह से ग्रीन मटर रहते हैं। मैंने फ्रेश मटर लिया था और फिर ये अपनी मेथी डाल देंगे और इसे चला लेंगे। अभी तो जो सब्जी है अपनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो इसमें फिर पानी भी डाल देंगे हम, 1 से 1.5 ग्लास के करीब करीब पानी डाल दें इसमें, पानी डाल दे अपने सुविधा अनुसार। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, इसे सेमी ठीक ही बनाना चाहिए। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसे अच्छे से मिला ले। देखिए क्या कलर आया है अपनी जो सब्जी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी तो और भी टेस्ट बाकी है इसमें डालने का।
इसमें कोरिंडर पाउडर डाल देती हूँ मैं हाफ टेबल स्पून, और जो गरम मसाला है वो भी मैंने हाफ टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें जो मेथी है वो ड्राई वाली मेथी नहीं क्या, वो जो फेनुग्रीक ली जो क्या बोलते हैं उसे, कसूरी मेथी डाल देंगे। वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है और सुगंध भी बहुत अच्छा देती है, उसे ज़रूर डालें आप। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, बहुत बढ़िया। अभी इसमें नमक डाल दें अपने स्वाद के अनुसार। अभी इसे मिला देंगे हम। आप इस सब्जी को बना के देखिए और मेरे हिसाब से बना के देखिए, आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है आपकी, ज़रूर बनाएं। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 कप दूध डालना है। दूध को अगर डायरेक्टली डालेंगे ना तो दूध फट जाएगा, इसलिए क्या करना कि 1 कप दूध में 1 चम्मच सब्जी डाल देना और फिर उस दूध को सब्जी में डालना। उससे क्या होगा कि दूध सब्जी में जाकर फटेगा नहीं, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसे मिला दें, बहुत ही बढ़िया, क्या खूबसूरत कलर आया है अपने ग्रेवी का। हमने इसमें हल्दी नहीं डाला है, लेकिन टमाटर के कलर के कारण वो थोड़ा सा एलोइश कलर दे रहा है। आप चाहे तो इसमें सिर्फ दूध ही डाल सकते हैं या फिर सिर्फ मलाई भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 कप उसके बाद में फिर मलाई डाल दिया है। इस तरह से मलाई डाल दें आप, या तो दूध डाल सकते हैं या फिर मलाई डाल सकते हैं, दो में से एक भी डालें तो भी चलता है, लेकिन दोनों डालो ना तो फिर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये ज़रूर आप करके देखें। और इसे अभी मिला दें, मैंने 1/2 कप के पास पास फ्रेश क्रीम जो थी मेरे घर में वो मैंने डाल दिया है। फ्रेश क्रीम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जो अपने घर में जो दूध रहता है उसके ऊपर जो साय आ जाती है उसी को निकाल ले, अच्छे से फेंट ले और उसी को डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। ये देखिए अभी हमारी मेथी मटर मलाई बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही बढ़िया, सुगंध भी बहुत चल रही है अच्छी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका, और कलर भी बहुत सुंदर है। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।